आप अगर राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो साहब हैं, सीओ साहब हैं, या किरानी साहब हैं, या बाबू लोग हैं कि भाई आपको पढ़ाई से रिश्ता छूट गया। आप तो लगातार पढ़ाई के संपर्क में हैं, शिक्षक तो पढ़ाई के संपर्क में क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो पाएगी। बेहतर ना, आप इन्हीं बताइए ना कि क्वालिटी शिक्षक बहाल होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे, तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी आम लोगों को। इसलिए हमारे राज्य के हित में, माता पिता के हित में, छात्रों के हित में, और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है, ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसके सबसे बड़े आधार बिहार है। तो ज्ञान की भूमि बिहार है, अहिंसा की भूमि बिहार है, दुनिया को सुन का ज्ञान दे करके गणित का बोध कराने वाली धरती बिहार है। तो जो ज्ञान का परचम विरासत में हमारे यहाँ लहराता रहा है, इसके लिए चिंतित हमारे राज्य नेतृत्व हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो इसको लोग को स्वीकार करनी चाहिए और इस बात को अनावश्यक तुल नहीं देनी चाहिए। और विरोधी का जो काम है वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो बरगलाएंगे, भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने का भी विरोध है महागठबंधन, वो भ्रम फैलाएंगे। अब एक तो बता दीजिए ना कि संभवतः आप लोगों को ज्यादा जानकारी, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के सुशील कुमार मोदी जी, उन्होंने एक अवसर पर कहा कि वेतनमान भगवान भी नहीं दे सकता है धरती पर। भाई सरकार वेतनमान देने जा रही है, आप बीजेपी के लोग कहते हो कि भगवान भी नहीं दे सकता। दिल्ली से नौकरियां गायब हो गई, भारत सरकार के उपक्रमों को निजी हाथों में डाल करके भारत सरकार के जो बड़े पैमाने पर रेल में नौकरियां दी जाती थी, अन्य जगह तो नौकरियां दी जाती थी, 2 करोड़ नौकरी का वादा था श्रीमान, 9 वर्ष में तो 18-16 करोड़ लोगों को नौकरी होनी चाहिए थी वादे के हिसाब से, तो नौकरियां कहां गायब है। तो जो सरकार आपको देने के लिए 10 लाख का एक पहला चरण है और 1.25-2 लाख के आसपास का लगभग 1,60,000 के आसपास का स्वास्थ्य विभाग में बहाली होनी है। तो जब इतनी बहालियाँ एक साथ लगभग 5 लाख के आसपास, 4 लाख ना, 4 लाख के आसपास सिर्फ 2 विभाग में बहाली होने जा रही है, तो आप राज्यवासी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें और हमारे जो बेरोजगार हैं वो भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लें। अभ्यर्थी तैयारी करें, अब तो हमको लगता है कि शायद हर जगह से रिक्ति आ गई होगी, अब तक आ गई होगी संभवतः, हम आज नहीं ब्रीफ लिया है, आज ब्रीफ नहीं लिया है विभाग का, लेकिन जैसे ही रिक्ति आएगी विज्ञापन होगा। और खुद हमारे राज्य के मुखिया बिहार विकास के सरकार इसके लिए चिंतित, कोई आदमी का बयान हम नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने क्या कहा है, बयान पढ़ेंगे तो आपका जवाब दे पाएंगे, लेकिन कोई भी जो बिहार की चिंता करेगा वो आदमी जहां देख रहा है लाखों लोगों की बहाली होनी है, तो कौन यह नहीं चाहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल हो। अगर ऐसा वो नहीं चाहते हैं तो ये चिंताजनक बात है, ये ठीक नहीं।